हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं गौरव चौधरी, सीसी मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, इस क्लास में हम जो व्यावसायिक अध्ययन है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे कि किस तरह के प्रश्न जो हैं परीक्षा के अंदर हमसे पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस क्लास को हम शुरू करते हैं और सभी जूनियर अकाउंटेंट के जो विद्यार्थी हैं वो इस क्लास को जरूर देखें कि किस तरह के प्रश्न उनसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ रहा है कि मानवीय कार्यों को कितने भागों में बांटा गया है, 2, 3, 5 या 7। या इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है। यदि हम बात करें मानवीय क्रियाओं की, तो देखो बच्चों, मानवीय क्रियाओं को दो भागों के अंतर्गत विभाजित किया जाता है। एक तो होती हैं आर्थिक क्रियाएं। कितनी होती हैं, एक कौन सी होती हैं? एक तो होती हैं आर्थिक क्रियाएं और एक होती हैं अनार्थिक क्रियाएं। कौन सी होती हैं? अनार्थिक क्रियाएं। जो आर्थिक क्रियाएं होती हैं वो मनुष्य किसके लिए करता है? जीविकोपार्जन के लिए। किसके लिए? जीविकोपार्जन के लिए, यानी कि लाभ कमाने के लिए, पैसा कमाने के लिए जो क्रियाएं की जाती हैं उन्हें हम कहते हैं आर्थिक क्रियाएं। अगर हम बात करें अनार्थिक क्रियाओं की, तो जो क्रियाएं प्रेम, वात्सल्य और देशभक्ति से प्रेरित होकर की जाती हैं, जिनका उद्देश्य लाभ या पैसा कमाना नहीं होता, उन क्रियाओं को हम क्या कहते हैं? अनार्थिक क्रियाएं। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा फर्स्ट, मानवीय क्रियाओं को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों के अंतर्गत मानवीय क्रियाओं को बांटा गया है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अनार्थिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है सेवा एवं दया भाव के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को, जीविकोपार्जन के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को, दोनों को, और फोर्थ ऑप्शन है कोई नहीं। तो मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अनार्थिक कार्यों में या अनार्थिक क्रियाओं में ऐसी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो प्रेम, वात्सल्य, सेवा, देशभक्ति से प्रेरित होकर की जाती है और जिसका उद्देश्य लाभ कमाना या पैसा कमाना नहीं होता। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा फर्स्ट, सेवा एवं दया भाव के उद्देश्य से किए जाने वाले कार्यों को अनार्थिक कार्यों में क्या किया जाता है? सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, आर्थिक क्रियाओं में शामिल है। अब देखिए, मैंने आप लोगों को बताया कि आर्थिक क्रियाओं में जीविकोपार्जन से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो आर्थिक क्रियाओं को भी जो है तीन वर्गों के अंदर क्या किया गया है? विभाजित किया गया है। यानी कि आर्थिक क्रियाएं तीन प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? तीन प्रकार की होती हैं। आर्थिक क्रियाएं जो होती हैं इनके अंतर्गत, क्योंकि इनका उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत व्यवसाय को, पेशे को, रोजगार को, या फिर अपन कह सकते हैं सेवा को सम्मिलित किया जाता है, है ना। यानी कि अगर हम बात करें व्यवसाय की, इसकी बात करें व्यवसाय की, तो इसके अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं का क्या किया जाता है? उत्पादन किया जाता है और उनका क्या किया जाता है? प्रतिफल के बदले में क्रय विक्रय किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं व्यवसाय। पेशे से मतलब क्या होता है? जिसके लिए विशिष्ट ज्ञान और योग्यता की आवश्यकता होती है और उसके बदले में सेवाएं उस विशिष्ट ज्ञान को अर्पित करकर उसके बदले में जो फीस वसूल की जाती है वो पेशा कहलाता है।
जैसे कि डॉक्टर, वकील, अध्यापक, ये क्या है, पेशा है, ठीक है ना। तो कई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए पेशे को अपनाते हैं, कई व्यक्ति जीविकोपार्जन के लिए व्यवसाय को अपनाते हैं। और अगर हम बात करें रोजगार की, तो इसके अंदर नौकरी को सम्मिलित किया जाता है, यानी कि नियोक्ता के यहाँ पर उसके निर्देशों का पालन करते हुए काम करना और उसके बदले में निर्धारित पारिश्रमिक क्या करना, प्राप्त करना, वो कहलाता है रोजगार। तो आर्थिक क्रियाओं में क्वेश्चन क्या है कि आर्थिक क्रियाओं में शामिल है तो व्यवसाय भी शामिल है, पेशा भी शामिल है, सेवा या नौकरी, या अपन कह सकते हैं रोजगार। तो आर्थिक क्रियाओं में इन तीनों को शामिल किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा फोर्थ, यानी कि आर्थिक क्रियाओं में, आर्थिक कार्यों में तीनों को शामिल किया जाता है, व्यवसाय को भी शामिल किया जाता है, पेशे को भी शामिल किया जाता है और रोजगार को भी क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, वस्तु एवं सेवा का उत्पादन वितरण यदि लाभ के उद्देश्य से हो तो इसे क्या कहते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया कि व्यवसाय के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उचित प्रतिफल के बदले में उनका क्या किया जाता है, विनिमय किया जाता है, यानी कि क्रय विक्रय किया जाता है, और इसके पीछे मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ कमाना। तो यानी कि जब वस्तु एवं सेवा का उत्पादन वितरण यदि लाभ के उद्देश्य से हो तो इसे कहते हैं व्यवसाय। तो फोर्थ का आंसर क्या होगा, फोर्थ का आंसर होगा फर्स्ट, व्यवसाय। पांचवा क्वेश्चन देखिए, एक ऐसी आर्थिक क्रिया है जिसमें एक व्यक्ति अपने विशिष्ट ज्ञान, प्रशिक्षण एवं अनुभव के आधार पर अपनी व्यक्तिगत सेवाएं दूसरे व्यक्तियों को प्रदान करता है तथा प्रतिफल के रूप में फीस प्राप्त करता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि एक ऐसी आर्थिक क्रिया जिसके अंदर विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है, जिसके अंदर प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें अनुभव की आवश्यकता होती है और जिसके पास ये होता है, वो व्यक्तिगत रूप से अपनी सेवा दूसरों को प्रदान करने के बदले में उनसे उचित फीस लेता है, तो उसे हम कहते हैं पेशा। तो उसे क्या कहते हैं, पेशा। तो फिफ्थ का आंसर क्या होगा, सेकंड, पेशा, ठीक है, प्रोफेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अपने मालिक के अधीन उसके निर्देशों का पालन करते हुए मजदूरी अथवा वेतन प्राप्त करना क्या कहलाता है। तो मैंने आपको बताया, जब हम किसी के यहाँ पर क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, क्या करते हैं, नौकरी करते हैं, तो उसके बदले में हमें क्या प्राप्त होती है, मजदूरी प्राप्त होती है या वेतन प्राप्त होता है। तो ये इस प्रकार की जो आर्थिक क्रिया होती है वो किसके अंतर्गत आती है, नौकरी, या फिर इसे हम क्या कह सकते हैं, रोजगार, क्या कह सकते हैं, रोजगार कह सकते हैं, या हम इसे कह सकते हैं सेवा। तो यहां पर आंसर क्या होगा, सेकंड ऑप्शन होगा, नौकरी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वाधिक जोखिम विद्यमान रहती है व्यवसाय में, पेशे में, नौकरी या सेवा में। तो अगर हम बात करें कि सर्वाधिक जोखिम किसमें होती है, तो जोखिम होती है व्यवसाय में, किसमें होती है, व्यवसाय के अंदर सर्वाधिक जोखिम होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऐसी कौन कौन सी आर्थिक क्रिया है जिसमें सर्वाधिक जोखिम विद्यमान होती है, तो मैंने आपको बताया भाई, आर्थिक क्रियाएं तीन तरीके की होती हैं, व्यवसाय, पेशा और रोजगार। अब इन तीनों में से सर्वाधिक जोखिम किसमें है, तो इन तीनों में सर्वाधिक जोखिम है व्यवसाय में, क्योंकि तो व्यवसाय के अंदर एक कहावत भी है, नो पेन नो गेन, और ये भी कहा जाता है कि लाभ जोखिम का प्रतिफल है। तो क्योंकि व्यवसाय का जो प्रतिफल है वो होता है लाभ, और लाभ किसका प्रतिफल माना जाता है, जोखिम का। तो सबसे ज्यादा जोखिम किसमें होती है, सबसे ज्यादा जोखिम व्यवसाय में होती है, किसमें होती है, सबसे ज्यादा जोखिम व्यवसाय में होती है। आठवां क्वेश्चन देखिए,
व्यवसाय एक संस्था है जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के लिए संगठित एवं संचालित की जाती हैं। यह कथन किसने कहा, या अपन कह सकते हैं कि यह परिभाषा किसने दी? तो व्यवसाय की यह परिभाषा किसने दी? तो बच्चों ध्यान रखना, इस तरह के प्रश्न आपसे परीक्षा में ज्यादा पूछे जाते हैं। तो व्यवसाय को एक संस्था के रूप में परिभाषित किसने किया? इन्होंने कहा कि भाई व्यवसाय एक ऐसी संस्था है जो निजी लाभ की प्रेरणा से समाज को क्या करते हैं, समाज को क्या करती हैं, सेवाएं या वस्तुएं प्रदान करती हैं, है ना? तो भाई ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा दी है व्हीलर ने। आपको ध्यान रखना है, यह परिभाषा किसने दी है? यह परिभाषा व्हीलर ने दी है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद करना पड़ेगा। जैसे ही आपको दिख जाए व्यवसाय एक संस्था है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये परिभाषा किसकी है? व्हीलर की है। किसकी है? व्हीलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवसाय की विशेषता नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन को आपको ध्यान से भी पढ़ना है। यहां पर क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यवसाय की विशेषता नहीं है? तो हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इसका आंसर क्या होगा। व्यवसाय एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है। बिल्कुल, व्यवसाय समाज के लिए किया जाता है और इसका उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, तो इसलिए ये एक सामाजिक आर्थिक क्रिया है। तो भाई ये तो व्यवसाय की विशेषता है। व्यवसाय करने का उद्देश्य लाभ कमाना है। बिल्कुल, ये भी व्यवसाय की विशेषता है। व्यवसाय पारस्परिक लाभ एवं संतुष्टि के लिए किया जाता है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें वस्तु एवं सेवा प्रदान करने से सामने वाला जो भी उपभोक्ता होता है उसको भी लाभ प्राप्त होता है, और जो व्यवसायी होता है उसको उसके बदले में क्या मिलता है? पैसा मिलता है, तो उसे भी लाभ प्राप्त होता है। तो दोनों को पारस्परिक लाभ भी होता है और पारस्परिक संतुष्टि भी होती है। तो बिल्कुल, ये भी व्यवसाय की विशेषता है। व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन नहीं होता है। ये इसका आंसर होगा, क्योंकि व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन होता है। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है? व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन नहीं होता है। ये व्यवसाय की विशेषता नहीं है, क्योंकि व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन किया जाता है। कच्चे माल को निर्मित माल में बदला जाता है, तो रूप उपयोगिता का सृजन होता है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन नहीं होता। व्यवसाय में उपयोगिता का सृजन होता है। तो यहां पर यह लिखा हुआ है नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या होगा? फोर्थ, ये व्यवसाय की विशेषता नहीं है। आगे देखिए, 10 क्वेश्चन। निर्माणी उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। जो उद्योग निर्माणी निर्माणी होते हैं, यानी कि निर्माणी उद्योगों का मतलब होता है जो कच्चे माल को निर्मित माल में बदलते हैं। निर्माणी उद्योग किसे कहते हैं? जो कच्चे माल को निर्मित माल में बदलते हैं, उन्हें निर्माणी उद्योग कहा जाता है। तो जो निर्माणी उद्योग होते हैं, उनको कौन से उद्योगों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? भाई अगर अपन बात करें तो उद्योग भी 3 प्रकार के होते हैं। मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूं कि जो उद्योग होते हैं ये भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं प्राथमिक उद्योग। क्या होते हैं? प्राथमिक उद्योग। प्राथमिक एक होते हैं द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग। और एक होते हैं तृतीयक या सेवा उद्योग। एक होते हैं तृतीयक या सेवा उद्योग। प्राथमिक उद्योगों के अंदर खास तौर से हम उन उद्योगों को शामिल करते हैं जो प्रकृति से क्या करते हैं? सीधे ही उत्पाद को प्राप्त करते हैं,
प्रकृति से सीधे ही क्या करते हैं, उत्पाद को क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। जैसे कि अगर मैं प्राथमिक उद्योगों की बात करूं तो खेती करना प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत आएगा, खनन व उत्खनन करना प्राथमिक उद्योगों के अंदर आएगा, शिकार करना प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत आएगा, पेड़ पौधे उगाना यानी कि अपन कह सकते हैं नर्सरी, है ना, पेड़ पौधे लगाकर वनस्पति का विकास करना, मछली पालन प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत आएगा, मुर्गी पालन प्राथमिक उद्योगों के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक तरीके से रॉ मटेरियल सप्लायर होते हैं। अच्छा, ये अपना रॉ मटेरियल किसको देते हैं, द्वितीयक या माध्यमिक उद्योगों को। तो मैंने आपको यहाँ पर लिखा कि कच्चे माल को निर्मित माल में बदलते हैं। तो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योगों के अंतर्गत अपन कौन से उद्योगों को शामिल करते हैं, जो निर्माणी उद्योग होते हैं। क्या होते हैं, निर्माणी उद्योग होते हैं। यानी कि निर्माणी उद्योगों के भी दो कैटेगरी होती है, एक तो होते हैं विनिर्माणी और एक होते हैं संरचनात्मक। ठीक है ना, तो अपन इसको आगे डिस्कस करेंगे अभी। तो जितने भी निर्माणी उद्योग होते हैं जो कच्चे माल से निर्मित माल बनाते हैं, उन्हें निर्माणी उद्योग कहा जाता है और इन्हें द्वितीयक या माध्यमिक उद्योगों की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। तृतीयक या सेवा उद्योगों के अंतर्गत जो प्राथमिक और द्वितीयक उद्योगों को सेवा प्रदान करने वाले जो संस्थाएं होती हैं, उन्हें अपन क्या करते हैं, तृतीयक या सेवा उद्योगों की कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि परिवहन, संचार, बीमा, गोदाम। तो ये जो सेवाएं हैं, इनको तृतीयक या सेवा उद्योगों की कैटेगरी में रखा जाता है। अब यहां पर क्या बात हो रही है, यहां पर बात हो रही है कि निर्माणी उद्योगों को सम्मिलित किया जाता है। तो निर्माणी उद्योगों को किसमें सम्मिलित किया जाता है, द्वितीयक उद्योगों में। निर्माणी उद्योगों को किसमें सम्मिलित किया जाता है, द्वितीयक उद्योगों में। तो बच्चों, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप सीसी मंत्रा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको ये पीडीएफ जो है अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक कच्चे माल से अनेक अंतिम उत्पाद तैयार करने वाले उद्योग कहलाते हैं। तो मैंने आपको बताया कि भाई जो द्वितीयक उद्योग होते हैं, क्या होते हैं, द्वितीयक या माध्यमिक, यहां पर ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। जो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग होते हैं, तो मैंने आपको कहा कि इसके अंतर्गत निर्माणी उद्योग आते हैं, अपन ने अभी पहले क्वेश्चन पढ़ा। अब मैंने आपको कहा कि इसमें भी निर्माणी उद्योगों की भी दो कैटेगरी होती है, एक होती है विनिर्माणी, क्या होती है, विनिर्माणी, और एक होते हैं संरचनात्मक, संरचनात्मक या निर्माणी कह सकते हैं अपन इन्हें। ठीक है ना, तो इनकी भी उद्योगों को भी द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग जो है, इनको भी दो भागों में बांटा गया है। अब विनिर्माणी के अंदर भी यदि मैं बात करूं तो चार तरह के उद्योग होते हैं। एक होते हैं विश्लेषणात्मक, क्या होते हैं, विश्लेषणात्मक। एक होते हैं संश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक, या अपन इन्हें कह सकते हैं कृत्रिम, क्या कह सकते हैं, कृत्रिम। तीसरा अगर मैं बात करूं तो अपन इन्हें कह एक तो एक होते हैं प्रसंस्करण, या अपन इन्हें कह सकते हैं प्रक्रियाई। भाई एक तो विनिर्माणी के अंदर एक तो विश्लेषणात्मक उद्योग होते हैं, एक संश्लेषणात्मक या कृत्रिम उद्योग होते हैं, एक प्रसंस्करण या प्रक्रियाई उद्योग होते हैं, और
फोर्थ होते हैं संयोजनात्मक, संयोजनात्मक उद्योग। तो जो विश्लेषणात्मक उद्योग होते हैं ये क्या करते हैं, एक कच्चे माल से अनेक अंतिम उत्पाद तैयार करने वाले उद्योग होते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन का आंसर होगा विश्लेषणात्मक, लेकिन विश्लेषणात्मक का अर्थ अगर मैं आपको सही ढंग से समझाऊं तो विश्लेषणात्मक उद्योगों में उन उद्योगों को रखा जाता है जो एक ही रॉ मटेरियल से क्या करते हैं, अनेक प्रकार के फिनिश प्रोडक्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं, अनेक प्रकार के फिनिश प्रोडक्ट क्या करते हैं, तैयार करते हैं। तो अपन को यहाँ पर ध्यान रखना है कि विश्लेषणात्मक उद्योगों के अंतर्गत उन उद्योगों को शामिल किया जाता है जो एक ही कच्चे माल से क्या करते हैं, अनेक प्रकार के उद्योग जो हैं, सॉरी अनेक प्रकार के जो अंतिम उत्पाद हैं वो तैयार करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको कहूं तेल शोधक जो उद्योग होते हैं, अब क्रूड ऑयल इंडस्ट्रीज जो होती हैं वो क्या करती हैं, जो भूमि से जो कच्चा तेल निकलता है उससे डामर भी बना लेती हैं, घासलेट भी बना लेती हैं, पेट्रोल भी बना लेती हैं। तो एक एक ही कच्चे माल से क्या होता है, अनेक अंतिम उत्पाद तैयार करने वाले जो उद्योग होते हैं उन्हें हम कहते हैं विश्लेषणात्मक उद्योग। यानी कि ये विश्लेषण करते हैं, यानी कि बारीकी से एक एक चीज को, क्या विश्लेषण का मतलब होता है कि आपके सामने कोई डेटा है, आप उसको विश्लेषण करके उसके अंदर से इम्पॉर्टेंट फैक्ट निकाल रहे हो। तो इनके सामने एक कच्चा माल होता है, ये उस कच्चे माल से अनेक प्रकार के क्या करते हैं, निर्मित माल को तैयार करते हैं एक ही कच्चे माल से। यदि संश्लेषणात्मक की मैं बात करूं तो ये क्या करते हैं, संश्लेषणात्मक के अंतर्गत अपन रख सकते हैं सीमेंट उद्योग को, इसको रख सकते हैं सीमेंट उद्योग को। यानी कि ये अनेक प्रकार के कच्ची सामग्री को मिलाकर एक सामग्री को तैयार करते हैं, यानी कि ये इसके अपोजिट होते हैं। अब सीमेंट उद्योग के अंदर लाइम स्टोन और सॉइल सबको मिलाकर क्या तैयार की जाती है, सीमेंट तैयार की जाती है, तो वो कहलाते हैं संश्लेषणात्मक। प्रसंस्करण या प्रक्रियाई उद्योगों की यदि हम बात करें तो ये कच्चे माल को कई प्रक्रियाओं से गुजारते हैं और उसके बाद निर्मित माल तैयार होता है, जैसे कि चीनी उद्योग या कागज उद्योग। चीनी उद्योग या कागज उद्योग किस तरह के उद्योग हैं, प्रक्रियाई उद्योग हैं। कौन से उद्योग हैं, क्योंकि इसके अंदर कच्चे माल को कई प्रक्रियाओं से क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। संयोजनात्मक उद्योग वो होते हैं जो कई निर्मित माल को आपस में मिलाकर एक नया उत्पाद तैयार करते हैं, जैसे कि कंप्यूटर उद्योग। अब कंप्यूटर उद्योग के अंदर क्या होता है कि भाई सीपीयू के अंदर कई तरह की चिप्स ऑलरेडी तैयार होती हैं, तो उन सब चिप्स को आपस में ज्वाइन करके, सब सर्किट्स को आपस में जोड़कर कंप्यूटर को तैयार किया जाता है। उसी तरह कंप्यूटर उद्योग हो गया, टेलीफोन उद्योग हो गया, कार उद्योग हो गया, है ना। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है वो संयोजनात्मक है, क्योंकि ये बहुत सारे निर्मित मालों को आपस में मिलाकर क्या करते हैं, एक उत्पाद तैयार करते हैं, तो उन्हें अपन कहते हैं संयोजनात्मक। यदि हम संरचनात्मक या निर्माणी उद्योगों की बात करें तो जैसे कि सड़क बनाना, पुल बनाना, बांध बनाना, नहर बनाना, भवन बनाना, ये कहलाते हैं संरचनात्मक या निर्माणी उद्योग। तो जो द्वितीयक या माध्यमिक उद्योग होते हैं इनको भी दो भागों के अंतर्गत क्या किया गया है, बांटा गया है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि एक कच्चे माल से अनेक अंतिम उत्पाद तैयार करने वाले उद्योग क्या कहलाते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, विश्लेषणात्मक उद्योग। क्या होगा, विश्लेषणात्मक उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब देखिए यहां पर आ गया सड़क, पुल, मकान, बांध आदि के कार्यों में संलग्न उद्योग किस श्रेणी के उद्योगों में आते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, किस श्रेणी के उद्योगों में आएंगे, संरचनात्मक उद्योग। क्या आएंगे, संरचनात्मक उद्योग, ठीक है। तो निर्माणी उद्योगों को भी अपन क्या कर सकते हैं, दो भागों में। हालांकि आप यहां से एक काम करिए,
आप कंफ्यूज होंगे तो यहाँ से आप निर्माणी हटा लीजिए, है ना, क्योंकि निर्माणी ही तो हैं ये सारे के सारे। निर्माणी को दो भागों में, एक तो विनिर्माणी और एक संरचनात्मक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो यहाँ पर अपन जो सड़क, पुल, मकान, बांध आदि के कार्यों में संलग्न होते हैं, उन उद्योगों को अपन क्या कहते हैं, उन उद्योगों को अपन कहते हैं कौन से उद्योग, संरचनात्मक उद्योग। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाणिज्य का केंद्र बिंदु कहा जाता है, वाणिज्य का केंद्र बिंदु कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, वाणिज्य जो होता है वो उपभोग, उत्पादक, उत्पादक व उपभोक्ता के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, कड़ी का कार्य करता है, यानी कि वस्तु विनिमय को क्या करता है, आसान बनाता है। कौन बनाता है, वाणिज्य। तो वाणिज्य के अंदर मुख्य रूप से जो शामिल किया जाता है, वो शामिल किया जाता है व्यापार को। इसको शामिल किया जाता है व्यापार को। तो हमको ध्यान रखना है कि वाणिज्य का केंद्र बिंदु किसे कहा जाता है, क्योंकि वाणिज्य के द्वारा क्या होता है, उत्पादक के द्वारा निर्मित वस्तुएं एवं सेवाएं जो हैं वो उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। तो वाणिज्य में मुख्य रूप से जो शामिल किया जाता है वो व्यापार और उसकी सहायक क्रियाओं को शामिल किया जाता है। तो वाणिज्य का जो केंद्र बिंदु होता है वो क्या होता है, व्यापार। तो इसका आंसर क्या होगा, व्यापार। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, व्यापार की सहायक क्रियाओं में सम्मिलित है, व्यापार की सहायक क्रियाओं में अगर बात की जाए, व्यापार की सहायक क्रियाओं के अंदर परिवहन, विज्ञापन, बैंक, तो इसका आंसर जो होगा, इसका आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, क्योंकि व्यापार की सहायक क्रियाओं में परिवहन को, विज्ञापन को, बैंक को, सभी को क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ध्यान रखना, और व्यापार की जो सहायक क्रियाएं होती हैं ये किसका अभिन्न अंग मानी जाती हैं, अभिन्न अंग कहलाती हैं। वाणिज्य, तो वाणिज्य का अभिन्न अंग कहलाती हैं क्या, व्यापार की सहायक क्रियाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो इनको तृतीयक और सेवा उद्योगों की कैटेगरी में रखा। अगर उद्योगों के अंदर बात की जाए तो उद्योगों की श्रेणी के अंदर तो ये तृतीयक या सेवा उद्योग की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन्हें अभिन्न अंग किसका माना जाता है, इन्हें अभिन्न अंग माना जाता है वाणिज्य का। किसका, वाणिज्य का। तो वहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको ध्यान रखना है। अगर क्वेश्चन ये आ रहा है कि परिवहन, विज्ञापन, गोदाम, संचार, ये किस तरह के उद्योगों की श्रेणी में आते हैं, तो आपका आंसर होगा तृतीयक या सेवा उद्योग। लेकिन अगर क्वेश्चन आ रहा है कि व्यापार की सहायक क्रियाएं किसका अभिन्न अंग है, तो आपका आंसर होगा वाणिज्य। आपका आंसर क्या होगा, वाणिज्य, क्योंकि तो मुख्य रूप से ये वाणिज्य का अभिन्न अंग कहलाती हैं, और ये वाणिज्य जो है ये वस्तु विनिमय को क्या करता है, आसान बनाता है, यानी कि उत्पादक और उपभोक्ता के बीच में क्या करता है, कड़ी का कार्य करता है। तो वाणिज्य में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाओं को क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। वाणिज्य का केंद्र बिंदु व्यापार होता है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से व्यावसायिक नीति शास्त्र, क्योंकि तो नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है, सही आचरण करना। नीति शास्त्र का मतलब क्या होता है, सही आचरण करना, ठीक है। तो देखिए, निम्नांकित में से व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। भाई, व्यवसाय के द्वारा सही आचरण करना व्यवसाय का व्यावसायिक नीति शास्त्र कहलाता है। तो व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है साधन एवं साध्य की पवित्रता का सिद्धांत। बिल्कुल, साधन और साध्य दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, पवित्र संबंध होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो सिद्धांत है। प्रचार का सिद्धांत, प्रचार बिल्कुल सही और भ्रामक करने वाला नहीं होना चाहिए। सम्मूल्य का सिद्धांत, लाभ कमाने के लिए मूल्यों में अधिकता नहीं करनी चाहिए, मूल्य जो है उचित होने चाहिए, सम्मूल्य का सिद्धांत। प्रत्यक्ष संपर्क का जो सिद्धांत है,
ये व्यावसायिक नीति शास्त्र के सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट देखिए, एक व्यावसायिक संगठन द्वारा देश के कानून का पालन करना, यानी कि कोई व्यावसायिक संगठन देश के कानून का पालन करती है, निम्नलिखित में से किसके प्रति उत्तरदायित्व को दर्शाता है? व्यावसायिक संस्था द्वारा देश के कानून का पालन करना व्यावसायिक संस्था द्वारा किसके प्रति उत्तरदायित्व के पालन को प्रदर्शित करता है? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, सरकार के प्रति, क्योंकि कानून कौन बनाती है? सरकार बनाती है। और यदि कोई व्यावसायिक संस्था कानूनों का पालन कर रही है तो वो सरकार के प्रति अपने उत्तरदायित्व को क्या कर रही है? निभा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार में शामिल है? देखिए, सामाजिक उत्तरदायित्व के चार प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? सामाजिक उत्तरदायित्व के चार प्रकार होते हैं। एक होता है आर्थिक उत्तरदायित्व। क्या होता है? आर्थिक उत्तरदायित्व। एक होता है कानूनी उत्तरदायित्व। क्या होता है? कानूनी उत्तरदायित्व। एक होता है नैतिक उत्तरदायित्व। सामाजिक उत्तरदायित्व के कितने प्रकार होते हैं? चार। एक होता है नैतिक उत्तरदायित्व और एक होता है विवेकशील उत्तरदायित्व। विवेकशील उत्तरदायित्व, ठीक है? तो एक नैतिक उत्तरदायित्व होता है, एक विवेकशील उत्तरदायित्व होता है, एक कानूनी उत्तरदायित्व होता है, एक आर्थिक उत्तरदायित्व होता है। तो क्वेश्चन क्या है? निम्नांकित में से कौन सा सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रकार में शामिल है? तो देखिए, आर्थिक उत्तरदायित्व शामिल है, कानूनी उत्तरदायित्व शामिल है, नैतिक उत्तरदायित्व शामिल है। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, न्याय की विचारधारा आधारित है। भाई, न्याय के अंदर निष्पक्षता होनी चाहिए, न्याय में समानता होनी चाहिए, न्याय में सद्भावना भी होनी चाहिए। तो न्याय, न्याय की विचारधारा में ये तीनों तत्व होने चाहिए। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, क्योंकि न्याय निष्पक्षता, समानता और सद्भाव पर आधारित होना चाहिए। तो इसलिए न्याय की विचारधारा में ये तीनों तत्व क्या हैं? शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार विचारधारा के प्रवर्तक थे। तो आपको ये रटना है कि मानव अधिकार विचारधारा के प्रवर्तक जॉन लॉक थे। मानव अधिकार विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? मानव अधिकार विचारधारा के प्रवर्तक जॉन लॉक थे। उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ? तो उपयोगितावादी विचारधारा जो होती है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ, यानी कि इसके अंदर जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उनका जो इस्तेमाल है वो हित में होना चाहिए। तो उपयोगितावादी विचारधारा का जो जन्म है वो किस शताब्दी में हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। किसमें हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। नेक्स्ट ये रटना पड़ेगा आपको कि उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म किस शताब्दी में हुआ, तो 19वीं शताब्दी में हुआ। और मानवीय अधिकार विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे? जॉन लॉक थे। सामाजिक उत्तरदायित्व में सम्मिलित है व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा स्वैच्छिक कार्रवाई, बिल्कुल, यानी कि व्यावसायिक उपक्रमों को आगे बढ़कर सामाजिक उत्तरदायित्व को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। शक्ति एवं उत्तरदायित्व में संतुलन स्थापित करना, बिल्कुल, शक्ति के साथ उत्तरदायित्व यानी कि पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। नैतिक उत्तरदायित्वों को मान्यता प्रदान करना, बिल्कुल, नैतिक उत्तरदायित्वों को निभाना चाहिए। तो सामाजिक उत्तरदायित्व के अंतर्गत ये सभी क्या हैं? सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी विशेषता व्यवसाय की नहीं है?
माल और सेवाओं का आदान प्रदान, बिल्कुल व्यवसाय में माल और सेवाओं का आदान प्रदान होता है एक नियमित आधार पर विनिमय, क्योंकि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय नियमित रूप से किया जाता है, ये भी व्यवसाय की विशेषता है। व्यवसाय में जोखिम और अनिश्चितताएं होती हैं, क्या होती हैं? जोखिम और अनिश्चितताएं होती हैं, बिल्कुल ये भी सही है। दूसरों के लिए काम करना, यानी कि दूसरों के लिए काम करना तो क्या कहलाता है? रोजगार। क्या कहलाता है? रोजगार। तो ये व्यवसाय की विशेषता नहीं है, दूसरों के लिए काम करना रोजगार कहलाता है, तो ये व्यवसाय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्यापार की सहायक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल बैंक की बैंक शामिल है, बीमा शामिल है, गोदाम शामिल है, विक्रय उपरांत सेवा जो है ये व्यापार की सहायक क्रियाओं में शामिल नहीं की जाती। व्यापार की सहायक क्रियाओं के अंतर्गत मुख्य रूप से बैंकिंग, बीमा, गोदाम, जिसे अपन क्या कहते हैं, भंडारण, और यातायात जो है इनको शामिल किया जाता है। किसको शामिल किया जाता है? बैंकिंग, बीमा, गोदाम, यातायात, ये जो सेवाएं होती हैं, ये जो सहायक क्रियाएं होती हैं, क्योंकि ये वस्तु विनिमय को क्या करती हैं? आसान बनाती हैं, उत्पादन को आसान बनाती हैं। तो विक्रय उपरांत सेवा जो है ये व्यापार की सहायक क्रियाओं में शामिल नहीं की जाती। इसके अलावा अपन विज्ञापन भी कह सकते हैं, क्योंकि विज्ञापन जो है वस्तु विनिमय को आसान बनाता है, विज्ञापन भी एक सहायक क्रिया है। डिब्बाबंदी, ये भी एक सहायक क्रिया है, लेकिन ध्यान रखिएगा विक्रय उपरांत सेवा जो है ये व्यापार की सहायक क्रिया नहीं है, क्योंकि ये माल बेचने के बाद प्रदान की जाती हैं, तो इन्हें व्यापार की सहायक क्रियाओं में सम्मिलित नहीं किया जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है? व्यवसाय समाज का अंग है, व्यवसाय समाज का अंग है। तो ये प्रश्न, ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्रैकर का। किसका है? पीटर एफ एफ ड्रैकर का कथन है ये कि व्यवसाय क्या है? समाज का अंग है, इसलिए व्यवसाय को समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, क्योंकि उत्पादन के जितने भी साधन हैं वो समाज ही व्यवसाय को क्या करता है? प्रदान करता है। तो व्यवसाय क्या है? समाज का अंग है। ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का है, इसको आपको याद करना होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन औद्योगिक परोपकारी है? एफ डब्ल्यू टेलर, हेनरी फ्रियोल होगा ये, फोर्डनी, हेनरी फेयोल, मैक्स वेबर, लॉरेंस एपले। तो अगर हम इन सभी की बात करें तो इन सब में औद्योगिक परोपकारी जिसे माना गया है वो है एफ डब्ल्यू टेलर, फेडरिक विंस्लो टेलर। तो ये भी आपको याद करना पड़ेगा कि भाई मानव अधिकार का जनक कौन है? जॉन लॉक है। उपयोगितावादी विचारधारा का जन्म कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ। व्यवसाय समाज का अंग है, ये कथन किसका है? पीटर एफ ड्रकर का है। और औद्योगिक परोपकारी कौन है? एफ डब्ल्यू टेलर है। व्यवसाय एक संस्था है, ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा व्हीलर की है। तो कुछ प्रश्न जो हैं वो याद करने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आशा करता हूं कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आ रही है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेहतर से बेहतर जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी करिए, ठीक है? और यदि आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे सीसी मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से इस पीडीएफ को क्या कर सकते हो? प्राप्त कर सकते हो। तो बच्चों, इस क्लास को हम यहीं पर ही समाप्त करेंगे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।